एंड मैं आपको दिखाने वाला हूं ये कितना इजी है, बहुत ही स्मूथ है गाइस, बहुत ही स्मूथ है। हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट गन इंडिया। एयरसॉफ्ट गन इंडिया के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने कैप्शन देख लिया है, आज हम लेके आए हैं आपके लिए गन जिसका नाम है एपेक्स एयर राइफल। बहुत दिनों से वीडियो में बना रहा था और कोई भी इकोनॉमी मॉडल का मैंने जिक्र नहीं किया था। तो हमारे पास, अगर आप लोगों को पता नहीं है, तो हमारे पास सस्ते एयर राइफल्स और सस्ते एयर गन्स भी होते हैं, जो कि आप हमारे वेबसाइट पर आके चेक कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको 50-60 हज़ार रुपये खर्चने हो, आप अगर आपका बजट कम हो तो आप सस्ते एयर गन्स भी ले सकते हैं। तो हमारे पास उसका एक ऑप्शन है, अगर आपको देखना है तो आप हमारे वेबसाइट पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो आज हम जिस गन के बारे में बात करने वाले हैं, दिस इज एपेक्स एयर राइफल। और पहला वर्ड जो मैं कहना चाहूंगा इस गन के बारे में, बहुत ही बेमिसाल परफॉर्मेंस वाइज, खास करके इसका ट्रिगर, ये इतना स्मूथ है कि मैं क्या बताऊं। अगर आप में से किसी ने भी इंडियन एयर राइफल चलाया है, सिंगल शॉट, आपको पता है कि इसका ट्रिगर बहुत हार्ड होता है, आपको दबाना बहुत जोर से पड़ता है, जिसकी वजह से आपका राइफल हिल जाता है और आपका निशाना लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एपेक्स का जो है ट्रिगर बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ है। दूसरी बात जो जिक्र करने वाली बात है ट्रिगर से, कि इसके अंदर ऑटोमेटिक लॉक लगा हुआ है, तो जब भी आप इसे कॉक करते हैं ये गन लॉक हो जाता है और ये गलती से फायर नहीं हो सकता। तो अगर जब भी आप फायर करेंगे, पहले आप इसको अनलॉक करेंगे, देन इसे फायर करेंगे। तो चलिए अब एपेक्स के बारे में जानकारी दे दें आपको एक बेसिक। पहली बात तो ये इंडिया में बनता है, इंडियन मेड एयर राइफल, और हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि लोकल में वोकल। और इसका जो लंबाई है वो है 113 सेंटीमीटर, 113 सेंटीमीटर का ये एयर राइफल है, इज अ फुल लेंथ एयर राइफल। आपको मैं इसका वेट भी करके दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा कुछ हैवी हो जाए, कुछ शानदार हो जाए, तो मैं आपको दिखाऊं इसका वेट। इसका वेट है समथिंग अराउंड 366.2, मतलब 3.5 किलो से थोड़ा हैवी है, मतलब ये काफी हैवी नहीं है और काफी लाइट भी नहीं है, दैट इज वेरी गुड। दूसरी बात जो जिक्र करने वाली है, ये वुड का बना हुआ है और मेटल का बना हुआ है, जो अंदर का मैकेनिज्म है वो पूरा मेटल का है और जो इसका बॉडी है वो वुड का है। तो वुड के साथ दो बातें होती है, एक तो बहुत अच्छा होता है ग्रिपिंग, पकड़ना बहुत इजी रहता है, निशाना लगाना काफी इजी रहता है, अनलेस आप इसको बहुत जोर से पटके ना, ये इसके बैरल को पटके ना, ये टूट जाता है। अगर आप इसे वैसे पटकेंगे तो ये टूट जाएगा, वरना ये हमेशा चलती है। आपने देखा होगा असली राइफल्स वगैरह की भी जो बट होता है वो वुड से इसीलिए बनाया जाता है। दूसरी बात पे मैं आने वाला हूं, आप इसका बैक साइड पे देखेंगे, इसका चिक बट जिसपे आप अपना गले को रखते हैं निशान लगाने के लिए, इसका ग्रिप काफी शानदार है, काफी अच्छा काम किया गया है, ऑथेंटिक लुक दिया गया है, काफी रियलिज्म का फील होता है ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ये सारा कुछ जो है इस पर थोड़ा काम किया गया है और ये काफी अच्छा लगता है। ऑल्दो जब हम बहुत ही इंपोर्टेड गन से कंपेयर करते हैं तो इसकी फिनिशिंग आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, हो सकता है कहीं हल्का सा आपको स्क्रैच मिल जाए, कहीं हो सकता है हल्का सा आपका जो है पेंट निकला हुआ मिल जाए, बट एज एन इंडियन राइफल ये बहुत ही अच्छी है, काफी अच्छी है, काफी शानदार है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका ट्रिगर जो है काफी स्मूथ है। अब हम बात करते हैं ऊपर का, इसका निशाना लगाने का जो है, आप साइट को एडजस्टेबल साइट है, आप इसे घुमा करके एडजस्ट कर सकते हैं दूरी के हिसाब से। आपको पता है कोई भी एयर राइफल जो होता है वो 10 मीटर के शूटिंग रेंज के लिए बनाया जाता है। अगर आप सीरियस हैं शूटिंग के लिए और अभी आप 2-4 लाख रुपए वाली जो है कंप्रेस्ड एयर राइफल नहीं खरीद सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, या आपको टेस्ट करना है कि आप शूटिंग में कैसे हैं, तो यू कैन गो विद दिस। सेकेंड, आप इसके सामने का देख सकते हैं, ये भी काफी इन्होंने फैंसी बनाया है, डिजाइनदार बनाया है, विद ऑल होल एंड स्टफ, जो कि काफी अच्छा है। और इसका जो होल है वो बड़ा है, जस्ट इन केस आपको अगर कॉक गन्स फायर करने हो, मैं कॉर्क इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देता हूं, यू डोंट नीड इट, एंड क्योंकि आपको गन की भी लाइफ के बारे में सोचना है। अब मैं आपको उसका पैलेट दिखा दूं, ये इंडियन पैलेट है, आप चाहें तो इंपोर्टेड पैलेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये काफी अच्छी राइफल है। वैसे तो मैं इंडियन पैलेट की ही सलाह देता हूं, बट क्योंकि ये अच्छी राइफल है, आप चाहे तो उसके अंदर इंपोर्टेड पैलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे लेंगे होपफुली आप शूटिंग के प्रति काफी ज्यादा उत्साहित होंगे, आप शूटिंग की प्रैक्टिस करना चाहेंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूं ये कितना स्मूथ है, आप देख सकते हैं, मैं इसको अपने हाथ से
ब्रेक कर सकता हूं। आपको पता है अगर कोई और दूसरी एयर राइफल होता कितना मेरे को मशक्कत करना पड़ता इसे सिर्फ कॉर्क करने में, बट मैं इसको बहुत ही ऑकवर्ड पोजिशन से सिर्फ ऐसे ही बेंड करके कॉर्क कर सकता हूं। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा ईजी है कॉर्क करना। सेकेंडली आप इसका होल देख सकते हैं, काफी बढ़िया है, काफी ईजी है, आप इसके अंदर पैलेट लोड कर सकते हैं। अभी मैं पैलेट जो है लोड नहीं कर रहा। इसका लॉक खोलने के लिए सिर्फ आप इसको पुश करिए और ये लॉक खुल जाएगा। आप लॉक करना चाहे तो इसे पीछे करिए, ये लॉक हो जाएगा। तो इसका लॉक जो है मैं पहले अनलॉक कर देता हूं, अन मैं आपको दिखाने वाला हूं ये कितना इजी है। बहुत ही स्मूथ है गाइस, बहुत ही। मैंने इस गन को पहली बार चलाया था, आई वॉज सरप्राइज बाय द स्मूथनेस, ये बहुत ज्यादा स्मूथ है। तो आपके लिए फायरिंग करना, निशाना लगाना काफी ईजी रहेगा। अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहें तो प्लीज ऑर्डर करिए राइट नाउ। अगर आप में से कई लोग स्कोप लगाना चाहें तो यू कैन ऑल्सो बाय अ स्कोप सेपरेटली, और आप इसके ऊपर स्कोप भी लगा सकते हैं। यहाँ पे एक रेल दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसका स्कोप लगा सकते हैं। अब इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, इस प्राइस में यू नो जितने की एक CO2 गन आती है उसने में आप ऐसी ऐसी चार गन खरीद सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितना चीप है। ऑर्डर करने के लिए कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहाँ पर ढूंढिए हमारे गन को दिस एपेक्स, और आप ऑर्डर कर सकेंगे राइट अवे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, टिल देन गाइस हैव फन।